चलिए आज हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के तरफ जा रहे हैं। आइगन वेक्टर्स पे तो अभी ज्यादा काम नहीं किया हमने, आइगन वैल्यू पर ही काम कर रहे हैं अभी भी। और कुछ चीजें मैंने जो लास्ट क्लास में बताई थी परसों, कल तो क्लास ही नहीं हो पाई, तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो चल रहे थे, मुझे लगता हो अगर आपने देखे होंगे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। अगर किसी मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज आपको पता है, जैसे इफ, ज्यादा ही मोटा हो रहा है भाई, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन आइगन वैल्यूज, चलिए पहले ए स्क्वायर ही कर लेते हैं, ऑफ ए स्क्वायर विल बी लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर अप टू लैम्डा n स्क्वायर। तो आप जनरलाइज कर सकते हैं इसको उसके बाद। काफी अच्छा सवाल है और छोटा सा सवाल है। अगर आपको कभी किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू पता है तो फिर देखिए, एट्स इक्वल टू लैम्डा एट्स, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप जानते हैं कि इसका मतलब लैम्डा आइगन वैल्यू है और जो एट्स है वो आइगन वेक्टर है। मैंने दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर एट्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए एट्स ऐसा आ जाएगा। इस एट्स की जो दोबारा इक्वेशन 1 से क्या रख सकते हैं, लैम्डा एट्स, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एट्स इक्वल टू लैम्डा एट्स। तो अगर लैम्डा मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू है तो लैम्डा स्क्वायर किसका होगा, ए स्क्वायर A बस। क्या इसकी हायर पावर के लिए भी आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे फिर यहीं से? यस सर यस सर तो ये तो प्रूफ हो ही गया। तो आप डायरेक्टली a³ a⁻ किसी भी नेचुरल नंबर में आप कर लेंगे इस रिजल्ट को। तो नोट ये है कि आप इसी को जनरलाइज करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइगन वैल्यू में आप इसी से डायरेक्टली थोड़ा और आगे चले गए कि भाई a² a³ का भी आपने कर लिया है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रह गया था पिछली बार, वो सिमिलर मैट्रिसेस से रिलेटेड है, लेकिन मैं अभी सिमिलरिटी पे बात कर ही नहीं रहा हूं। जब सिमिलर शब्द आएगा तो बाद में करेंगे, अभी तो हम ये कह रहे हैं प्रूव दैट टू मैट्रिसेस एंड पी इनवर्स ए पी हैव सेम आइगन वैल्यूज, हैव सेम आइगन वैल्यूज। अब आप कहेंगे कि साहब यहां पर पी क्या है, तो पी कोई भी इन्वर्टिबल है, क्योंकि पी इनवर्स लिखा है आपने, तो इसका मतलब कोई भी इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, पी इनवर्स ए पी लिखा है बच्चों, अगर यहां पर पी ए पी इनवर्स भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्रुप थ्योरी में हमने ऐसा लिखा था, जो लोग क्लास दोनों जगह अटेंड कर रहे हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, उससे काफी हद तक सिमिलरिटी वाला है कि दोनों का जैसे ऑर्डर सेम होता है, यहाँ दोनों के आइगन वैल्यू सेम होती है। अब ये कैसे किया जाए देखिएगा प्लीज। ऐसा करते हैं, पी इनवर्स ए पी टू कुछ मान लेते हैं सिंगल, मान लो बी मान लिया,
ठीक हो गया। तो मैं बी माइनस लैम्डा आई करना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब हो गया पी इनवर्स एपी माइनस लैम्डा आई। अब मुझे दोनों से पी इनवर्स कॉमन लेना है, तो ऐसा करता हूं, लैम्डा तो ये हो गया, इधर पी इनवर्स पी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो आई ही आएगा। तो लेफ्ट साइड में आप पी इनवर्स कॉमन ले सकते हैं और राइट साइड में पी कॉमन ले ले सकते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों? देखिए तो यस सर, यस यस सर। फिर अब ये बताइए, आपने बी का मतलब हुआ पी इनवर्स एपी माइनस लैम्डा आई इक्वल टू, आप ले आए पी इनवर्स ए माइनस लैम्डा आई और पी। तो फिर डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स एपी माइनस लैम्डा आई, या ऐसे लिखो या दोनों साइड सीधी लाइन डाल दें, तो यहां आ जाएगा अलग अलग, डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स सेपरेट कर लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई और डिटरमिनेंट ऑफ पी। क्या इसमें और इसमें कोई रिलेशनशिप मैंने कभी बताई आप लोगों को? यस सर, डिटरमिनेंट पी इनवर्स 1/ डिटरमिनेंट पी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा बताया है तो इसे 1/ डिटरमिनेंट ऑफ पी। चलो अभी लैंग्वेज लिख लो, डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट पी, क्योंकि इन्वर्टिबल है तो डिटरमिनेंट पी नॉन जीरो होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास पी इनवर्स ए पी माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई आ गया। इससे क्या समझ में आया बच्चों? अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो पी इनवर्स ए पी की भी लैम्डा होगी, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा सर। हाँ, ये जीरो होगा तो वो भी जीरो होगा। डायरेक्ट लिख दूं, इट इज बोथ मैट्रिसेस हैव सेम आइगन वैल्यूज। तो मैं यहां से फिर आपको एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा कि जो सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं, इनको हम बाद में सिमिलर मैट्रिसेस के नाम से जान देंगे। तो जो मैट्रिसेस सिमिलर होते हैं उनके आइगन वैल्यू सेम आएंगी, लेकिन उनके आइगन वेक्टर्स डिफरेंट होंगे, ये बाद में फिर बात करेंगे इस पे एक बार और, लेकिन यहां भी लिख सकते हैं आप लोग। और मैंने पिछली क्लास में भी सारे रिकॉल कराया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिमिलर मैट्रिसेज में क्या चीज कॉमन होती है और क्या डिफरेंट होती है। कॉमन आइगन वैल्यूज हैं और डिफरेंट आइगन वेक्टर हैं सिमिलर मैट्रिसेज में। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को क्या कहा अभी? यस सर, यस सर, यस हाँ ठीक है, सर, अभी आइगन वेक्टर निकाले नहीं है मैंने कहीं भी, खाली थ्योरी बताई है, आज भी उनका नंबर नहीं आना है। एक तो मुझे लगता है घर की साफ सफाई के मामले में मेरा एस्टिमेशन ही गलत हो जा रहा है शायद, मुझे लगता है अब पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। क्लास के लिए तो पूरा टाइम निकालना मुश्किल हो जा रहा है, कल तो कर सकते हैं ना क्लास, कल तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, यस सर, कर सकते। ठीक, आज ही थोड़ा सा दिक्कत अभी भी है, आज दिन भर काम ही किया हमने, अभी मेरी परेशानी ये हो रही है, पढ़ाने का तो टाइम है लेकिन होमवर्क का टाइम मुझे भी तो मिलना चाहिए। नंबर थ्योरी मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मुझे उसको तैयार करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, जब बिना तैयार किए कहाँ से पढ़ाएंगे। एक बार तो देखा कि पढ़ाना क्या है, लीनियर अलजेब्रा तो बहुत बार पढ़ाई है इसलिए चल रहे हैं। तो ईमानदारी वाली बात यह है कि आज भी नंबर थ्योरी में क्लास नहीं लूंगा, तभी लूंगा जब मुझे भी तो दिन में समय मिले, अभी जाके जैसे तैसे काम पूरा हुआ है। चलिए एक छोटा सा सवाल और करते हैं, इफ आइगन वैल्यू ऑफ ए इज लैम्डा
आइगन वैल्यू अब ए प्लस के टाइम्स आई, के नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है कोई, तो ए प्लस के आई इज लैम्डा प्लस के। अगर कभी कोई मैट्रिक्स आपके पास है और उसका आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए प्लस के आई, अब के टी जो वन भी रख सकते हैं आप, तो यहाँ लैम्डा प्लस वन, के टी जो भी रख रहे हैं आप यहाँ भी लैम्डा प्लस में रख दीजिए उतना, तो ये सेम आएगा। फिर वही बात है, आपके पास ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है, ठीक। नाउ ए प्लस के आई आपको दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है सब टाइम्स एक्स, आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ए एक्स प्लस के एक्स आ जाएगा। तो ए एक्स की जो आप लैम्डा एक्स रख देंगे प्लस के टाइम्स एक्स, तो लैम्डा प्लस के टाइम्स एक्स ए प्लस के आई टाइम्स एक्स। फिर वही लॉजिक हर बार की तरह, अगर लैम्डा ए का, क्योंकि बाकी एच से ही है कॉमन इक्वेशन वन में, लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो लैम्डा प्लस टे ए प्लस टे आई की आइगन वैल्यू है। सभी को क्लियर हुआ? यस सर। तो अब केटी जो कोई भी आप रियल नंबर फील्ड में सोचा तो ए माइनस टू आई, ए कुछ भी, माइनस टू प्लस थ्री सेवन माइनस इलेवन कुछ भी आप सोचते रहिए, और ढेर सारे जितना इमेजिनेशन करेंगे आंसर आप खुद ही बता लेंगे कई सारे क्वेश्चंस के। नेक्स्ट, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने का एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। अब फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स for a equal to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3. तो इस क्वेश्चन के लिए हम दोनों चीजें निकालना सीखते हैं बच्चों, आइडेंट वैल्यू आइडेंट वेक्टर ही तय करेंगे आगे की हमारी जो कहानी है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल है और डायगोनलाइजेशन प्रोसेसेस हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं, उनके लिए भी हमें ये जरूरी चाहिए। तो ये काफी प्रोडक्टिव सेशन है मेरे ख्याल से, आप लोग ये समझ पा रहे हो, नेट या ग्रेड या जो भी दें आप, एनबीएचएम जैम जो भी आपको देना हो, ये प्रोडक्टिव सेशन है, यहां से आता ही होगा। मुझे अब रिसेंट सालों में, कुछ सालों में पेपर तो देखे नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आते थे पहले, अब भी आते ही होंगे शायद जो लोग। yes, हाँ जी yes, आते हैं। हाँ नहीं नहीं आते तो होंगे, मतलब अब कम तो नहीं हुआ होगा ऐसा तो खास। नो सर, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर सबसे ज्यादा। हाँ मतलब प्रोडक्टिव और आसान है, मतलब एक बार आपको आ जाए ना आप इसमें अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, और आपको लगेगा लीनियर अलजेब्रा बहुत आसान चीज है भी, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी से तो आसानी है। यस सर। एट माइनस सिक्स टू
-6 7 -4 2 -4 3 तो भाई आपके पास 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गया। अगर मैं ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करूं। सर, हाँ जी सेकेंड और थर्ड रो में 7 माइनस लैम्डा और थ्री ओ माइनस लैम्डा भी हो। सॉरी 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 थैंक यू मेरी गलती है ध्यान नहीं रहा। जब हम कई बार रिलैक्स होते हैं ना जहां मैंने देखा है जिंदगी में रोड खराब है वहां ट्रॉमा एक्सीडेंट होते हैं। जहां रोड सही होती है हर कोई कॉन्फिडेंट वे में चलता है अब तो बढ़िया रोड है तो ये मान के चलो कुछ ना कुछ होना है आप वो गलती हुई है। चल सॉरी ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इसको डिटर्मिनेंट लेना है बच्चों जीरो करना है डिटरमिनेंट और फिर लैम्डा क्यूब में इक्वेशन आएगी उसे सॉल्व करना है। क्या मैं लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं? यस सर, यस सर। क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और ये मेरे ख्याल से अगर आप लोग थोड़ा भी सिंसियरली काम कर रहे हो निकाल ही लेंगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब ये बताने जैसा कुछ नहीं है उसमें बताना होता है कंसेप्ट को ये तो कैलकुलेशन है। तो ठीक है भाई हमने निकाल दिया और लैम्डा के तीनों डिफरेंट वैल्यू ली। ठीक है अब एक एक करके लैम्डा के तीन वैल्यू हम इक्वेशन वन में रखेंगे और तीनों बार हर लैम्डा के लिए एट एक्स को निकालने की कोशिश करेंगे। केस फर्स्ट कर देते हैं यहां से फॉर लैम्डा इक्वल टू जीरो लेट एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ट्रांसपोज क्योंकि ये खड़े में आएगा मैट्रिक्स देन फ्रॉम वन ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स हम लोग ये लिखते हैं यहीं से ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स इसी से तो आया था। तो अब लैम्डा तो जीरो है दिस इम्प्लाइज ए एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स एस लैम्डा इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज ए हमने ऊपर लिखा है लैम्डा जीरो रख लीजिए तो आपके पास फिर वही ओरिजिनल 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 तो एक्स एक्चुअल में एक्स ऐसा था जगह बचाने के लिए मैंने ट्रांसपोज फॉर्म ली थी। बेसिकली अब हमें इस लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन निकालना है। हमारा काम अब लीनियर इक्वेशंस में आ गया। हम ये करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सर रैंक निकालेंगे। रेंट निकालेंगे ये 8 परेशान करेगा तो ऐसा कर लें आर वन और आर थ्री इंटरचेंज कर लें तो 2 माइनस 4 3 माइनस 6 7 माइनस 4 8 माइनस 6 2 या तो इतने को ही लिख के सॉल्व कर लो या हर बार ये पूरा तामझाम भी लिखो आपकी इच्छा है कोई फर्क नहीं। क्या मैं यहां भी बदलूं या एक्स वन एक्स थ्री इंटरचेंज करूं या नहीं? सर तो सभी लोगों को ये समझ में आया ना कि आर वन और आर थ्री जब आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो दूसरे वाले में क्यों नहीं कर रहे हैं आप पहले वाले में ही क्यों किया आपने? सभी लोग कन्विंस हैं यस सर ठीक बच्चों। इसको हमने शॉर्टकट में पहले भी सीखा था कि जो रो ऑपरेशन आपके एलिमेंट्री थे वो आप
प्री मल्टीप्लीकेशन वाले ट्रेसान लगाते हैं पहले ट्रेसान, और कॉलम हमेशा बाद वाले ट्रेसान, आप ऐसे भी सीख सकते हैं। अब ये टू की वजह से हम ये यहाँ पर और यहाँ पर जीरो बना सकते हैं कैसे। अब मैं आर टू टी जो ऊपर ले लूंगा, आर टू प्लस थ्री टाइम्स आर वन, और आर थ्री टी जो ऊपर आर थ्री माइनस फोर टाइम्स आर वन, तो आपके पास हो जाएगा टू माइनस फोर थ्री, ये दोनों जीरो, थ्री टाइम जीरो किया है तो ये माइनस ट्वेल्व और सेवन तो माइनस फाइव, थ्री टाइम किया है तो नाइन और फोर फाइव, और फोर टाइम जीरो, फोर टाइम में सिक्सटीन प्लस टेन, फोर टाइम में ट्वेल्व माइनस टेन, क्या ऐसा आएगा? कैलकुलेशन आप भी क्रॉस चेक करिएगा प्लीज, मैं यहाँ लापरवाही करता हूँ कई बार। अरे भाई ठीक हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? यस सर, सही है। चलो ठीक है बच्चों, अब क्या करना चाहिए? पहले 10 को 0 बना देते हैं। आर थ्री प्लस टू टाइम्स आर टू, तो टू माइनस फोर थ्री, जीरो माइनस फाइव फाइव, जीरो 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 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। इट्स वन, इट्स टू, इट्स थ्री, तो आपके पास टू इट्स वन माइनस फोर इट्स टू प्लस थ्री इट्स थ्री इक्वल टू जीरो, दोनों माइनस फाइव इट्स टू प्लस फाइव इट्स थ्री, फाइव काट दिया मैंने, इट्स टू प्लस इट्स थ्री इक्वल टू जीरो, लेट इट्स थ्री इक्वल टू के, के कोई रियल नंबर मान लीजिए, फील्ड का एलिमेंट मतलब, तो एट्स टू और एट्स थ्री बराबर हैं तो वो भी के आ जाएगा, तो एट्स वन कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे? वन तो ये वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है, माइनस फोर थ्री वन आ जाएगा, ठीक है वन बाई टू, तो आपके पास कैपिटल पहला एक्स वन जो है आपके पास वो ये वेक्टर आइडिया वन 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 बाई टू का ट्रांसपोज, आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको, या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सिस्टम को, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, अननोन तीन थे, और ऐसे भी कर सकते हो। इसको क्या लिखा है, इज वन आइगन वेक्टर, फॉर लैम्डा इक्वल टू जीरो, इन जनरल अगर आप लिख रहे हैं, इन जनरल, तो आप ऐसे सेट के तौर पर सोच लीजिए, वन वन हाफ टाइम्स टे, टे बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन सब स्पेस हुआ है, यही बात हुई थी पिछली बार, सॉल्यूशन सब स्पेस का मतलब यही हुआ, किसी भी टे से मल्टीप्लाई कर लीजिए कोई भी रियल नंबर, ये सब सॉल्यूशन होंगे, इस सॉल्यूशन सब स्पेस, ऐसे भी ले सकते हैं, वन वन हाफ ही लेना जरूरी नहीं है, टू टू वन भी ले सकते हैं, मतलब ये दोनों जितना पहले वाले होंगे तीसरा उसका आधा होगा, बस इतना समझिएगा, क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक हो गया, तो हमारे पास पहला इट्स एट आ गया, यही काम फिर रिपीट करना है, तो जाहिर सी बात है लंबा काम होगा और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड चीजें बहुत सारी आएंगी, तो छोड़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है इसलिए ये नहीं कि हम डिटेल में चीजों को ना पढ़ें या ना समझें, ऐसा मत करिएगा गलती से भी। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा,
चाहे T20 भी खेलना हो ना, खेलेगा वही लॉन्ग टर्म तक जो बैट्समैन अच्छा हो, वाटरी जो सॉलिड हो। आड़े तीर से खेलने वालों को बैट्समैन नहीं कहते बच्चों, ध्यान रखना। ऐसे यहां भी हालत है, जो लोग केवल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं तो कहानी बहुत खराब है इसका मतलब। और लैम्डा इक्वल टू 3 लाइक कैपिटल X2 इक्वल टू X1 X2 X3 ट्रांसपोज देन फ्रॉम 1 ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स और ए माइनस 3 आई इंटू एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ए मेरे पास लिखा हुआ है बुक में, उसमें से डायगोनल में से 3 काउंट कर देता हूँ, तो 8 में से 3 गया 5, ऊपर से -6 और 2 तो रहेंगे ही, फिर था -6, यहाँ 7 था, 7 -3 4, -4 और तीसरा 2 -4, ये 3 था तो ये 0 हो जाएगा। X1, X2, X3 आप लोग अपने कॉपी पे चेक भी करते रहिएगा। ये आ गया आपका, बस दूसरा फाइव फाइव से। अच्छा हाँ, R1 की जो, क्या मैं R1 प्लस R2 कर सकता हूँ? यस सर, तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा बच्चों? -1। आसान हो जाएगा फिर, -1 -2 -2 -6 4 -4 2 -4 0। इधर भी कुछ करना हुआ है या ऐसे ही रहेगा? ऐसे रहेगा। तो यार आप लोग इसे बताएंगे आप मुझे सॉल्यूशन, प्लीज करिए। तो सर यूनिक सॉल्यूशन 0,0,0। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर नॉन जीरो ही आना चाहिए ना, आइगन वेक्टर तो बाय डेफिनेशन। यस सर। सर -4, 1 और 2। रैंक कितनी आ रही है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की? सर 2। 2 आ रही है, ठीक हो गया। तो -X1 -2X2 -2X3, तो ये 0 आएगा। दूसरा आप ही लोग बताइए जो आपने बनाया है, क्या है ये क्वेश्चन? बुक के साथ टैली नहीं हो रहा है आपका अभी शायद, अदिति। सर 3 आ रही है रैंक।
थ्री नहीं आनी चाहिए यार, टू आ रही है रैंक टू आ रही है। बेटा हाँ सर, टू आ अगर रही है। सुनो ना, अगर रैंक थ्री आएगी तो हाँ जीरो सॉल्यूशन ही आएगा ना, और जीरो सॉल्यूशन अगर आ गया तो एक्स तो जीरो है, लेकिन आप तो बाय डेफिनेशन शुरू से दावा करते हैं कि आइगन वेक्टर इज ऑलवेज अ नॉन जीरो वेक्टर एंड फॉर एवरी लैम्डा देयर एग्जिस्ट एन आइगन वेक्टर, ये भी बात भी हमने कही है, तो इसलिए रेंट थ्री तो नहीं आनी चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे पूरा कर देना चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है और लोग बोलने के मूड में है नहीं। सर टू ही आ रही है रैंक। यार अब यस सर, टू आ रही तो है। रैंक टू आ रही है। भाई फिर तुमने कटवा दिया तब तो यार, अब बोलो 2x3 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन बोलिए प्लीज। 16x2 प्लस 8x3 इक्वल टू 0। तो x3 इक्वल टू 6 मान लेते हैं, तो x2 आ जाएगा हाफ के, क्या जाएगा? यस सर। अरे तो इसे 2 मान लेते हैं यार, x2 मानते तो ज्यादा सही था, x2 को 3 मान लेते हैं, तो x3 कितना आ जाता, x2 3 मान लो तो x3 कितना आएगा, मिस माइनस टू के -3। आप x2 और x3 ऊपर वाले में रखिए सबसे ऊपर, माइनस एक्स छोड़ दीजिए उसमें, तो टू के टू एक्स वन इक्वल टू के टू के, यही आ रहा सबका। यस सर। यस सर। तो कैपिटल x2 हम वेक्टर मान सकते हैं, टू वन माइनस टू ट्रांसपोज पर्टिकुलर के वन रख के, एक पर्टिकुलर वेक्टर रख लो, वरना तो लैम्डा के लिए केट्स कोई भी रखो, सारे ही वो हुए, और सब स्पेस सॉल्यूशन सब स्पेस, फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 इज 2 1 माइनस 2 टाइम्स 3, के कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, कोई भी जो मर्जी। तो ये भी कोई पर्टिकुलर एक के वन रखा है, कोई कहता है सर मैं K11 रखता हूं, तो रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है कंसेप्चुअली, फिर भी सही आएगा। मैं एक पर्टिकुलर 2 1 माइनस 2 रख रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि यही रखना है, क्या मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? यस सर। यस सर। हाँ, इनमें ये आपस में इस तरह का रिलेशन आना चाहिए, बस हो गया। तो भाई ये लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा सा सवाल पूछ ही लिया कि लैम्डा इक्वल टू इतने के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बता दो, मतलब लैम्डा भी निकाल के दे रहे हो, सारे निकालो नहीं दे रहे, तो ऐसा तो पूछा जा सकता है। और K3 हमारा इफ लैम्डा इक्वल टू तीसरा 15 था, तो मैं कैपिटल X3 फिर वही ले लेता हूँ, X1 X2 X3 ट्रांसपोज, सो फ्रॉम वन यहाँ पर 8 था, तो 8 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 6 और 2, दूसरा -6, ये 7 माइनस 15 हो जाएगा -8 माइनस 4, तीसरा 2 माइनस 4 3 माइनस 15 मतलब -12, तो टाइम्स X1 X2 X3 0 0 0। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, अल्टीमेटली हर बार करना होमोजेनियस इक्वेशन को ही सॉल्व है। तो फिर मैं अगर R1 R2 के रिलेशन को ध्यान से देखूं, तो R1 की जो R1 माइनस R2 कर लेता हूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ध्यान से देखिए, तो
ऐसा मिलेगा या नहीं? अरे भाई ये ठीक है, यस अब आसान पड़ेगा, अब आप लोग करिए। सुबह बीएससी फर्स्ट ईयर वालों से बोला है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं कभी कभी कुछ तो जवाब दे दो। पूरी क्लास को 4-5 बार वार्निंग दी कि बच्चों बोलना पड़ेगा, कभी तो एक भी बोले, कुछ तो बोले, नहीं तो क्लास ओवर करूंगा। कोई नहीं बोला तो 15 मिनट में भी नहीं चली शायद क्लास, मैंने बंद कर दी। इसका मतलब मैंने कहा आप लोग ऑनलाइन में इंटरेस्टेड नहीं है, ऑफलाइन में आओ, जब जब कॉलेज में माहौल बने पढ़ाई का तो पढ़ो, नहीं बने तो मत पढ़ो, फिर अब क्या कर सकते हैं। आप लोगों में ऐसे भी थे कोई उस क्लास में? यस सर। तो मतलब क्या कहें हम बच्चों से, मैं बार बार कह रहा हूं यार कोई तो थोड़ा बहुत तो बोल दिया करो रिस्पॉन्स। सर हाँ जी, सर कौन सी क्लास बंद करी आपने? बीएससी फर्स्ट ईयर। सर वो ग्रुप थ्योरी किया इंटीग्रल कैलकुलस की? अरे भाई बीएससी फर्स्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस, ओके सर। ग्रुप थ्योरी क्यों बंद करेंगे, ठीक चल रहा है। उन बच्चों के साथ मेरा ऑफलाइन भी ऐसा कोई खास इंटरेक्शन हुआ नहीं है ना अभी, और हो सकता है घबरा रहे हो मैं किसी को क्यों कहूँ कि वो गलती है, लेकिन जवाब ही नहीं दे रहे। कितनी बार मैं कह रहा हूँ बच्चों कोई तो रिस्पॉन्स दो, नहीं कुछ नहीं। तो ठीक है भाई फिर, अब जब देना ही नहीं है तो। हाँ तो यार एक्स्ट्रा बताओ तो। सर 2 रैंक आ रही है इसकी। हाँ वही ठीक है, रेंट तो ये तो मान सर के चलो। इक्वेशंस बन रही है -x1 + 2x2 + 6x3 = 0 एंड एक्स टू प्लस 8 मिनट माइनस, हाँ ये तो ये बने +2x2 + 6x3 = 0 और x2 + 2x3 = 0। ठीक हो गया। तो x3 को कुछ मान लो, k मान लो, तो x2 हो जाएगा -2 k, तो -4 + 6 2 उधर जाएगा 2, तो आपके पास x3 2 -2 1 है और सॉल्यूशन सब स्पेस। -2 1 times 3 3 belongs to R। तो आपने 3 आइडेंट वेक्टर निकाल दिए, तीनों काफी आसान है, 3 बार होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, मतलब हमने ये सीख। परेशानी कहाँ आएगी इसमें तो नहीं आई, जब तो गौर करिए प्लीज, हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यूज थी वो डिफरेंट थी तीनों तीनों डिफरेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ये सबसे आसान कैटेगरी के क्वेश्चन से। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं नेक्स्ट में, लैम्डा की तीनों वैल्यू डिफरेंट नहीं करते, ऐसा सवाल उठाता हूं मैं एक, और फिर हम दोबारा पूरा प्रोसेस करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए ऐसे में क्या होगा, और बाद में इनका डायगोनलाइजेशन में यूज होता है, जिन लोगों ने पढ़ा हो उन्हें मालूम होगा कि लैम्डा, अगर लैम्डा की सारी वैल्यू डिफरेंट है तो वो तो ऑब्वियस है कि वो डायगोनलाइजेबल होंगे, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो औरों के साथ है, और कौन, जैसे ये है फॉर ए इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 फाइन। आइगन वेक्टर्स लिख देते हैं क्योंकि वेक्टर निकालने के लिए वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो ए -λ i डिटरमिनेंट इक्वल टू 0
और इसको सॉल्व करने के बाद लैम्डा इक्वल टू 228। पहले 8 के लिए कर लो, ये तो 80 बार आया है तो ये तो वैसे ही होगा जैसे पहले होता था। तो a माइनस लैम्डा आई टाइम्स एट्स इक्वल टू नल वेक्टर, a ऊपर लिखा हुआ है उसमें से डायगोनल में से 8 ट्रम्प कर लीजिए, माइनस टू माइनस टू टू माइनस टू माइनस फाइव माइनस वन टू माइनस वन माइनस फाइव एट्स वन एट्स टू एट्स थ्री। चलिए प्लीज करिए, तो सीधे ही हो जाना चाहिए फटाफट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माइनस माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ठीक, और लोगों को भी यही आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, अगर आ रहा है तो तो फिर कैपिटल एक्स वन क्या मान लू, मैं बुक से उठा रहा हूँ, क्या यही आ रहा है आप लोगों को? टू माइनस वन, यस सर। ठीक हो गया, मतलब ये पहला आपका एक्स वन आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब लैम्डा इक्वल टू टू रख के देखते हैं, टू वाला देखना भी चाहिए ना, ये है ठीक, यहां से उठाते हैं यार। ठीक सेकंड फॉर लैम्डा इक्वल टू टू ए माइनस टू आई टाइम्स एट्स इक्वल टू नल वेक्टर, ए ऊपर दिख रहा है उसमें से डायगोनल में से टू काउंट कर लीजिए, तो फोर माइनस टू टू माइनस टू वन टू माइनस वन, और टू काउंट करना है तो वन ही आएगा। एट्स वन एट्स टू एट्स थ्री दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो बच्चों आप चाहें तो इंटरचेंज कर लें, और आप चाहें तो आर वन प्लस आर टू कर लें, आर वन चीजों पर, और ये भी ठीक है। सर आर वन बाय टू कर देंगे तो सीधा साइरो सेम बन जाएंगे। लो जी ये कर लो, तो टू माइनस वन वन माइनस टू वन टू माइनस वन वन, अरे ये अब जब हम इसको करेंगे तो टू माइनस वन वन तो ठीक है, ये जीरो किया ऐड कर दिया आर टू, अरे लिखा तो नहीं यार हमने, आर टू की जो आर टू प्लस आर वन, और आर थ्री की जो आर थ्री माइनस आर वन, तो ये जीरो ही तो जोड़ना है, जीरो जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी जीरो,
एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। क्योंकि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए वो तीन में से रैंक एट ही आई है, तो दो होंगे इस बार। अब वो दो किस तरह से रखे जाएं ये थोड़ा सा हमें सोचना है। और ये भी ध्यान रखना कि जो दो सॉल्यूशन आप निकालेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो सिंस रैंक ऑफ ए इस समय वन है, सो थ्री माइनस वन दैट इज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस विल एग्जिस्ट, तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे बच्चों। ठीक, अब वो कैसे निकालते हैं वो भी तो सीखना हुआ। इक्वेशन हुई हमारे पास एट, एट को जीरो कर लेते हैं। देखो टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो को सॉल्व कर रहे हैं और दो आंसर निकाल रहे हैं। अगर मैं एक्स थ्री को जीरो कर दूं तो टू एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है ना सर। तो अगर एक्स वन को k मान लूं तो एक्स टू कितना हो जाएगा 2k। तो ये जो वेक्टर होगा मेरा एक्स टू वो हो जाएगा k वन एक्स टू टू जीरो ट्रांसपोज ए डॉट वन टू। ठीक है, इसमें किसी दूसरे को जीरो मान लो, एक्स टू जीरो मान लो, तो टू एट्स वन प्लस एट्स थ्री इक्वल टू जीरो। अच्छा, अगर मैं एट्स वन को फिर यहां भी ट्रे ले लू तो एट्स थ्री आ जाएगा माइनस टू थ्री। तो मेरा कैपिटल एट्स थ्री वेक्टर जो आएगा एट्स वन मतलब वन जीरो एट्स थ्री माइनस टू ट्रांसपोज। अच्छा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। एट वेक्टर वन टू जीरो है, एट वेक्टर वन जीरो माइनस टू है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है आप याद है? लैम्डा वन टाइम्स वन टू जीरो प्लस लैम्डा टू टाइम्स वन जीरो माइनस टू इक्वल टू क्या करना चाहिए बच्चों? जीरो वेक्टर के इक्वल। तो ये हो जाएगा लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू एट इक्वेशन टू लैम्डा वन टू लैम्डा टू जीरो जीरो जीरो। इसमें कुछ मैट्रिक अरे यार प्लस टू कर दिया मैंने कॉमा कॉमा। तो एट इक्वेशन ये भी जीरो ये भी टू लैम्डा वन जीरो तो लैम्डा वन भी जीरो टू लैम्डा टू तो लैम्डा टू भी जीरो। लैम्डा वन लैम्डा टू दोनों जीरो आ रहे हैं तो ये गारंटी है कि नहीं ये दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? यस यस सर। हाँ, तो ये मैंने क्रॉस चेक करके बताया आपको, आपको भी अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए जी। हाँ, एक्चुअल में ये दोनों वेक्टर जो मैंने लिखे हैं ये गारंटी है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। बच्चों यहीं पर एक चीज और बता दूं मैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था लेकिन जरूर कभी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट बट ट्रांवर्स मे नॉट बी ट्रू। दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है और तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा।
जो लोग इनर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट बोलेंगे उसे, लेकिन जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो वो जरूरी नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो आए। आप इन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए ना जो लिखे हुए हैं। अगर एक ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट होगा तो पहले को लिखेगा आई प्लस टू जे प्लस जीरो के, और दूसरे को लिखेगा आई प्लस जीरो जे माइनस टू के। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आपने अभी दिखा दिया। क्या इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है? नो सर। नो सर। हाँ, डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं है। तो ये अपने आप में एग्जाम्पल था कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनलिटी जबरदस्त चीज है, इसीलिए जिन लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पहले पढ़ी है या फंक्शनल पढ़ी है, मेरे साथ भी पढ़ी है, तो मैंने आपको ग्राम स्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस बताई। कोई कलेक्शन दे दो, हम उसको ऑर्थोगोनल बना डालेंगे। फिर वहां से एक क्वेश्चन हर बार मिलता है। हाँ, गेट में ध्यान रखिए। यस सर। ऑर्थोगोनलाइजेशन ग्राम स्मिट जो मैंने बताई थी वो बहुत शानदार चीज है, और ठीक है, बुक्स डायरेक्टली चलाते हैं। मैंने आपको वहां से शुरू किया जहां ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स को शुरू किया था, वहां से शुरू किया था मैंने आपको वो सारी चीजें पढ़ाई। तो बच्चों, अब हमने ये तक तो देख लिया कि कभी अगर लैम्डा की दो वैल्यू सेम आ रही हैं तो आप किस तरह से दो लीनियरली इंडिपेंडेंट ये निकाल पा रहे हैं वेक्टर्स। फिर ये सवाल उठता है कि क्या ये इत्तेफाक था ऐसा करना, या ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है? तो अब यहां से ये होता है कि ऐसा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बिल्कुल है, तो फिर वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है वो करनी है थ्योरम लीनियर इंडिपेंडेंस पे। क्योंकि ये x1, x2, x3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला मैंने न्यूमेरिकल था तो मैंने ऐसे दिखा दिया, लेकिन ये जनरल थ्योरम है भाई, तो थ्योरम आप कल करते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में मुझे लगता है व्यस्त होंगे, दिवाली में मदद करते हैं नहीं आप लोग भी, या मुझे ही लग रहा है मैं ही महान आदमी हूं?